हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग एमएस वर्ड में रेफरेंसेस टाइप को पढ़ रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में रेफरेंसेस टाइप में जो उसके आगे के ऑप्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेफरेंसेस टैब में हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़े थे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स। तो इंडेक्स होता क्या है? जैसे कहने का मतलब, जैसे कोई जैसे इंग्लिश का बुक है, उसका स्टोरी दिया गया है, तो जैसे कुछ उसमें के ऐसे मीनिंग हैं, उससे रिलेटेड कोई अदर मीनिंग दिया रहता है, या फिर सिनोनिम बोल सकते हैं, या फिर उसका जो है आपको जो है हिंदी में नहीं पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनका जो है आगे मीनिंग दिया होता है पेज के नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों का ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर किसी का भी हाई स्कूल इंटर कोई भी बुक ले लीजिए, तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं कुछ, तो उनका जो है मीनिंग दिया होता है। तो वही हम इसमें कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पैराग्राफ टाइप करेंगे, जैसे इक्वल RAND एंड ब्रेकेट ऐसे दीजिए और इंटर करिए। मान लेते हैं हमारा एक क्या है, स्टोरी है। अब इसमें से कुछ हमको इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेने हैं और उन पे जो है हमको मार्क लगाना है। यह कैसे होगा वही हम करके आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि क्लियर दिखाई दे, थोड़ा अच्छा दिखाई दे, नहीं तो वीडियो में क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, इसलिए इसके साइज को इतना हम कर लिए। अब जैसे कोई भी हम इसमें से एक वर्ड लेते हैं, जैसे कहने का मतलब हम ले लिए यू। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे। यहाँ पे दिया है मार्क एंट्री, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो मेन एंट्री यहाँ पे आ जाएगा आपका यू। इसके बाद यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड अदर मीनिंग लिख सकते हैं इंग्लिश में। अगर हिंदी में देख लिखना है तो इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पर आप चले जाइए फॉन्ट में, इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ से आप जो है हिंदी का फॉन्ट अगर आपके पीसी में है, अगर आप एमएस वर्ड यानी कि इंस्टॉल किए हैं हिंदी का, तो आपका रहेगा। तो हम यहाँ पे देखिए हमारा हिंदी का है, तो हम कुर्ती देव 10 यूज करेंगे। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इटैलिक बोल्ड, इसकी साइज को कम ज़्यादा करना, यहाँ से फॉन्ट कलर, तो जो भी करना है, यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल, ये फॉर्मेटिंग यहाँ से आपको अगर करना है तो कर लीजिएगा, हम बस नॉर्मल ही करके दिखा रहे हैं। तो हम क्या किए, यहाँ से हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे हिंदी में जैसे हम लिख दें तुम कॉमा आप, तो हमने इसमें इसका हिंदी मीनिंग लिख दिया। इसके बाद हम क्या कर देंगे, मार्क के ऊपर ऐसे एक बार क्लिक कर देंगे, मार्क लगा देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरह से मार्क लगा हुआ आ जाएगा। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो देखिए यू पे क्या हुआ, मार्क लग गया है। और इसके बाद और कोई हम वर्ड लेते हैं, जैसे हम ले लिए योर, सेलेक्ट किए हम,
इसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाइए मार्क एंट्री, इसके ऊपर क्लिक करिए। हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे कर्सर रख करके राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पे फंड के ऊपर क्लिक करिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कुर्ती देव, इसके बाद इसको सेलेक्ट एंड देन ओके। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है आपका और यहाँ पे मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए योर पे क्या हुआ, मार्क लग गया। अब क्लोज कर देना है। अब जैसे हम कहीं कहीं से ले लेते हैं अदर, इसको सेलेक्ट करना है, मार्क एंट्री में जाना है और यहाँ पे आप राइट बटन क्लिक करिए, फंट में जाइए और यहाँ से आप हिंदी का फंट सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको ओके कर देना है और यहाँ पे हिंदी में आपको लिख देना है। इसके बाद मार्क के ऊपर क्लिक करना है एंड देन क्लोज करना है। अब जैसे यहाँ पे दिया है चूज, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे मार्क यहाँ पे जाइए इस, फिर उसके बाद राइट बटन क्लिक, फॉन्ट और यहाँ से कुर्ती देव, इसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है एंड देन मार्क के ऊपर क्लिक करिए और क्लोज। तो इस तरह से आप जो है जो हमारा टॉपिक यानी कि सभी पे जो हमारा स्टोरी है, जो जो वर्ड्स हैं जिस पे हम देना चाहें, जिस पे हमको मार्क लगाना चाहें, हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक दो वर्ड हम लेते हैं, क्विक, मार्क एंट्री के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आना है, राइट बटन क्लिक करना है, फंड के ऊपर जाना है और यहाँ से कुर्ती दे, इसको सेलेक्ट करना है एंड देन ओके। और यहाँ पे हमको हिंदी में लिख देना है एंड देन मार्क लगा देना है। इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। ऑलवेज इसको सेलेक्ट करिए, मार्क एंट्री यहाँ पे क्लिक करिए, राइट बटन क्लिक करिए, फंट में जाइए और यहाँ से हिंदी फंट को सेलेक्ट करिए और ओके करिए और यहाँ पे लिख देना है और मार्क लगा देना है। तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी करना है तो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट, अब इसको सेलेक्ट कर लेना है, मार्क एंट्री पे जाइए, इसका अदर हम दे सकते हैं, जैसे हमारा हो गया फाइल, और मार्क लगा दीजिए एंड क्लोज कर दीजिए। और इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है स्टाइल, तो स्टाइल भी ले सकते हैं जैसे, या फिर दिया है थीम, इसको सेलेक्ट करिए, मार्क एंट्री पे जाइए और यहाँ पे हम दे देते हैं टेम्पलेट दे सकते हैं या डिजाइन दे सकते हैं एंड मार्क लगा दीजिए एंड क्लोज। तो आप इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में कर सकते हैं और उसका हिंदी में मीनिंग कैसे लिखना वो भी हमने आपको बता दिया। तो इतना सब कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो बता रहा है इस तरह से, ये बता रहा है कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे एंड हुआ है, यानी कि ये पैराग्राफ को बताता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट भी बने हुए हैं, तो ये हमारा आता है यहाँ पे होम में, अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का दिया रहेगा। यह बताता है, यहाँ पे लिख रहा है सो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल, यानी कि यह पैराग्राफ को भी शो करता है और जो भी हमारे सिंबल हिडन होते हैं, जो नहीं दिख रहे होते हैं, उसको भी शो करके या दिखाता है। जैसे यहाँ पे बीच में डॉट डॉट दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक स्पेस है। तो जब हम होम पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में हमने बताया था। तो इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, बस आपको यहाँ पर इसको अनसेलेक्ट कर देना है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करिए, यह क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमने क्या किया,
रेफरेंसेस टैब में जा करके यहाँ से मार्क लगा लिए। अब इसका लगाने के बाद हम यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलम, दो कॉलम में चाहिए, तीन कॉलम में चाहिए कि एक कॉलम में चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दो कॉलम है, चलिए ठीक है। फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ से अदर भी हमको क्लासिक लेना है तो क्लासिक ले सकते हैं, टेम्पलेट लेना है तो टेम्पलेट ले सकते हैं। इसके बाद आपको कर देना है ओके। अब अगर हम देखें, यह हमारा दो कॉलम में आ रहा है, ऑलवेज, देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, और ये वन बता रहा है कि ये हमारा जो है पहले वाले पेज पर है, या पेज नंबर बता रहा है। ये सब किस पेज पर है? पहले पेज पर है, फर्स्ट पेज पर। तो ये हमारा दो कॉलम में आ गया। कंट्रोल जेड हमने करके इसको हटाया, इंसर्ट इंडेक्स में जाना है, वन कॉलम करना है तो वन सेलेक्ट करके एंड देन ओके कर देना है। अब यह एक कॉलम में आएगा इस तरह से, ऐसे कंट्रोल जेड करिए, आप जाइए इंसर्ट इंडेक्स में। इसके बाद हम क्लासिक सेलेक्ट करते हैं, इसको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आएगा, ओके कर दीजिए। तो क्लासिक में कुछ हमारा इस तरह से आ रहा है, ऐसे ए बी, पहले ए वाला आएगा, उसके बाद सी वाला, फिर डी वाला, इस तरह से कंट्रोल जेड। तो इस तरह से जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे वो क्या करिए, आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए और यह क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यू में दो आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मार्क लगा सकते हैं। यहाँ से क्लासिक लिए एंड ओके किए, कंट्रोल जेड, दूसरा क्लासिक तो हम आपको करके दिखाए थे। यहाँ से जो है, जैसे फॉर्मल सेलेक्ट किए एंड ओके कर दिए, तो फॉर्मल में हमारा इस तरह से आ रहा है। इसके बाद अब जैसे कुछ अगर हमको और ऐड करना है तो हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है लुक्स, इसको सेलेक्ट करिए, या फिर हम यहाँ पे लुक को सेलेक्ट किए। अब इसके ऊपर मार्क लगाना है तो मार्क एंट्री यहाँ पे जाइए और इसके बाद यहाँ पे राइट बटन क्लिक करिए, फॉन्ट में जाइए और यहाँ से हिंदी का हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करिए, इसके बाद यहाँ पे हिंदी मीनिंग आप लिख दीजिए, उसके बाद मार्क लगा दीजिए, मार्क लगाने के बाद क्लोज कर दीजिए। अब देखिए लुक, अभी तो अगर हम इंडेक्स में देखें तो लुक नहीं आया है। देखिए डॉक्यूमेंट, अदर, क्विक, थीम, डिजाइन, यू, अभी लुक नहीं आया है, यानी कि इसको हमको अपडेट करना। पहले ये जो हमारा पैराग्राफ शो हो रहा है उसको हम यहाँ से हटा दें। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि लुक का भी नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने इंडेक्स को, अपडेट करेंगे। तो रेफरेंसेस टैब में जाना है और अभी देखिए यह अपडेट इंडेक्स या नहीं हाईलाइट हुआ है, अभी अनहाईलाइट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंडेक्स में आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो यह क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप क्लिक करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एल का आ जाएगा। तो देखें कहाँ पे एल का आया, यहाँ पे आ गया। तो देखिए लुक देखना, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लुक का जो है हमारा मीनिंग आ गया। और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले इसको हम सेलेक्ट किए, यहाँ से डिलीट किए। डिलीट करने के बाद हम इंसर्ट इंडेक्स में गए और यहाँ पे जा करके क्लासिक वाले क्लासिक ले सकते हैं, या फिर फ्रॉम टेम्पलेट टेम्पलेट की तरह ले सकते हैं और ओके एंड यस।
अब तो यह बता रहा है कि ऑलवेज इसका मीनिंग हमेशा हो जाएगा। इसके साइज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो इसकी साइज को हम बड़ा कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे एस के जो राइट साइड में हम कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद आप माइनस का साइन लगाइए और एक बार डिलीट बटन प्रेस करिए। इसके बाद यहाँ पे वन को, ये जो पेज नंबर, इसको हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। या तो देखिए ऑलवेज हमेशा यहाँ पे कर्सर रखिए, माइनस का साइन लगाइए, डिलीट बटन प्रेस करिए, तो इसके सामने यह आ जाएगा। इसके बाद इसको भी आपको हटा देना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिलीट बटन प्रेस। अब फाइल का अदर मीनिंग, जैसे डॉक्यूमेंट का अदर मीनिंग, हम फाइल में भी फाइल लिख सकते हैं। लुक, यहाँ पे डैश लगाइए, डिलीट बटन प्रेस करिए, और इस तरह से आप सभी इंडेक्स को अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से आपको यह अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह जो है आपको देखने के बाद कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।